हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15th जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन अडानी एंटरप्राइज में हमें जो है देखने मिला एक 5.61% का पॉजिटिव मोमेंट और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 21.96.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो हाई वॉल्यूम एक तरह से हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कैंडल की बॉडी जरूर जो यहाँ पे मीडियम साइज की बनी है लेकिन नीचे के समय बहुत ही बड़ी हमें विक भी जो है देखने मिल रही है। मतलब यहाँ पे स्टॉक जो नीचे गिरने के बाद फिर अच्छी खासी हमें बाइंग जो देखने मिली है। इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में भी हमें जो अच्छा खासा एक आज के दिन जो ग्रोथ देखने मिला है। बात अगर मैं करूँ RSI की, 50-53 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड यहाँ पे जो मैं कहूँ तो नेगेटिव मोमेंट का इशारा दे रहा है। एक तरह से यहाँ पे न्यूट्रल सा ही इशारा दे रहा है लेकिन याद रखना है यहाँ पे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे ज़रूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे ज़रूर हमें जो है आज के दिन 20 MA और 50 MA के ऊपर जो क्लोज होते हुए देखने मिला है और यहाँ पे अपसाइड मोमेंट यहाँ पे जो है हमें एक बार गैप अप होते हुए फिर नीचे के साइड में गिरते हुए देखने यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टॉक में जरूर जो कॉशियसली काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो रेजिस्टेंस जो है एज सच यहाँ पे जो है वो चल रहा है। आने वाले दिनों के लिए हमारा ओपन जो है स्टॉक में अभी भी जो है यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का है, मतलब स्टॉक हमें गिरते हुए देखने मिलता है। करंटली यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक जो है 21.20 के आसपास जो गिरते हुए देखने मिल रहा है, अगर वहाँ पे उसको क्रॉस करते हुए हमें क्लोजिंग जो है देखने मिली तो फिर यहाँ पे स्टॉक में जो है थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंट जो आने वाला है। फिर यहाँ पे हमें 20.15 इवन यहाँ पे जो है स्टॉक में 1900 तक भी जो गिरते हुए देखने मिल सकता है। यहाँ पे करंटली वर्ल्ड मार्केट के बेसिस पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी हमें जो है बहुत ही ज़्यादा देखने मिलने वाली है इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे जो है क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और यहाँ पे जो है चांसेस जो स्टॉक के गिरने के जो है वहाँ पे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में जो आप कॉशियसली काम करो, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा जो भी यहाँ पे जो है जिस साइड में मार्केट हो उस साइड में आप इंट्रा डिवाइस जो है यहाँ पे जो है पोजीशन ले सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे स्टॉक जो है 2200 के ऊपर जो है हमें स्टॉक जो है दो दिन तक अगर सस्टेन करते हुए देखने मिला तो ज़रूर यहाँ पे आप जो है अपसाइड मूवमेंट के लिए जो जा सकते हैं। अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे 2295 तक का हमें ज़रूर जो देखने मिलने वाला है लेकिन यहाँ पे उसके लिए जो आपको सस्टेन जो है स्टॉक 20 MA 50 MA को रहता है या फिर नहीं दो दिन तक हमें उसको जो है ज़रूर ध्यान में रखना है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है ज़रूर मार्क यहाँ पे करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग्स जो कर रहा हूँ आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग्स जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी यहाँ पे अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे मेंटेन करने में। तो यहाँ पे अपसाइड के लिए थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे डेटा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करके रख देते हैं यहाँ पे जिस तरह से हमें डेटा देखने वाला उसके ही बेसिस पे ताकि यहाँ पे अगर कभी स्टॉक जो है और ऊपर भी जाए तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा हो जिसकी वजह से आप जो है यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो ले सके। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। बात यहाँ पे अब सीधा करते हैं इसके
क्लोजिंग ही। नीचे के साइड में थोड़ा सा हम देख लेते, कुछ नया डेटा यहाँ पे भी जो है हमें देखने मिल रहा है उसको हम जरूर मार्क करके रख देते, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें जो है हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है जरूर यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए अपना जो है एक ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। 2197 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे हमारा 2185 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 2207 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख लें। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक जो है नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 2173 का, उसके बाद का 2153 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 2221 का, उसके बाद का 2243 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग का। यहाँ पे 2173 2185 के बीच में बहुत ही ज्यादा जो है हमें चांसेस लग रहे हैं कि इस रेंज में स्टॉक जो क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो है हमें जरूर जो है नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिलने वाली यहाँ पे, लेकिन ज्यादा नहीं, छोटी सी यहाँ पे इस रेंज में ही हमें क्लोजिंग देखने मिल सकते हैं। इवन यहाँ पे जो है कल किस तरह से मार्केट जो ओपन होता है वो उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉजिटिव साइड में जो है हमारा मार्केट रह सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक जो थोड़ा सा फिर सेकेंड हाफ में गिरते हुए हमें देखने मिल सकता है और यहाँ पे जो है नेगेटिव में क्लोजिंग हमें देखने मिल सकती है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।